दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके वाक़ तबलीगी जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 36 बैरून मुल्की शहरियों को मंगल के रोज उस वक्त बड़ी खुशखबरी मिली जब साकेत कोर्ट ने उन पर लगे इल्जामात से बरी करार दे दिया। 14 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले उन 36 शहरियों को साकेत कोर्ट ने बरी जिम्मा करार देते हुए उन पर वबाई एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत आयद इल्जामात को खत्म कर दिया। इसी जिम्मन में इलियास शरफुद्दीन ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मोदी हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा करार दिया और मरकजी हुकूमत की बेइज्जती से ताबीर किया। देखिए इलियास शरफुद्दीन का क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हक की जीत, सत्य में विजय थे। 36 तबलीगी जमात के फॉरेन इनवाइटीज जो थे, बाहर से आए हुए तबलीगी जमात वाले निजामुद्दीन में, उनको दिल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया। कहा कि उनके ऊपर जितने इल्जाम लगाए गए थे मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी, आरएसएस गवर्नमेंट की, फासिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, सब झूठे हैं। पूरा मीडिया 2 महीने भोंक रहा था, गोदी मीडिया चिल्ला रहा था, कुत्तों की तरह भोंक रहे थे तबलीगी जमात पर। आज अल्लाह ने वही तबलीगी जमात के लोगों को कोर्ट से बाइज्जत बरी करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम बीजेपी आरएसएस वालों के मुंह पे चप्पल लेके मारे जैसा है, 2-4 बार चप्पल लेके मारे, गोदी मीडिया के ऊपर जूता लेके मारे जैसा है। कुत्ते की ऐसी अल्लाह जिंदगी कर दिया, 2 कौड़ी का तुम लोगों का भरोसा नहीं रहा लोगों के पास। इतने जलील, इतने सुवर टाइप लोग हैं तुम लोग, कोई तुम्हारा भरोसा नहीं कर रहा है। किस पर भी इल्जाम लगा देना, किसके बारे में कुछ भी बात उड़ा देना, किसकी भी जिंदगी खराब कर देना, किसके भी काम को डिस्टर्ब कर देना, ये है गोदी मीडिया और उनके सरदार बीजेपी आरएसएस वाले, नंबर 1 के हरामी टाइप लोग। इसीलिए मैं कहता हूं देश में ये बर्बादी और आग लगा रहे हैं। आइए एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। इस्लाम लाइए, देश बचाइए, देशवासियों को बचाइए, ऐसे हरामी कामों से बच जाइए, नहीं तो और जिल्लत, और बर्बादी, और तबाही आएंगी तुम लोगों की जिंदगियों में। समझ जाओ, इस्लाम लाओ, देश बचाओ, देशवासियों को बचाओ। झूठ और जहर और मक्कारी मत करो, रावण के पिल्ले ना बनो, इस्लाम लाओ। अल्लाह भारत की हिफाजत फरमाए ये जहरीले संघियों से, आरएसएस के आतंकवादियों से और इनकी कुत्ती मीडिया से। अल्लाह भारत, भारतवासियों की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।